हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म रिपीट। वेल दोस्तों, लॉकडाउन के बीच राम गोपाल वर्मा ने अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म, जी हाँ, कोरोना वायरस, इसका ट्रेलर लॉन्च किया। वेल ट्रेलर 4 मिनट का है और ये ट्रेलर पूरा लॉकडाउन के सिचुएशन के बीच में शूट किया गया है। एक फैमिली सर्कमस्टेंसेस दिखाया कि किस तरीके से ड्यूरिंग लॉकडाउन के फैमिली कोरोना से कैसे जूझ रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। वह ये अगर आप 4 मिनट की ट्रेलर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उनका कहना का मोटो क्या है। उन्होंने अपने ट्विटर पर इसका ट्रेलर रिलीज किया। जी हाँ, कल ट्यूसडे को उनका ट्रेलर आया जो 4 मिनट का है, जो सब टाइटल है इंग्लिश में एंड वो जो लैंग्वेज है वो तेलुगु में है। सो ये मूवी बेसिकली तेलुगु में रिलीज होगी, लेकिन जिसको देखना है वो इसे सब टाइटल के साथ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके मेन, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो उसका मेन मोटिव यही था कि राम गोपाल वर्मा ने क्लियरली कहा है कि उन्होंने ये मूवी इसलिए बनाई है कि उनको प्रूव करना था कि लॉकडाउन के बीच में भी ऐसा कोई नहीं है जो उनका काम रोक सके। जी हाँ, ना ही कोई भगवान है जो उनके काम को रुका सके, ना ही कोई कोरोना है जो उनको कोई मूवी या फिर कुछ शूट करने से रोक सके। हर किसी ने ये लॉकडाउन में, एक फैमिली ने अपने घर में शूट की है, हर चीज़ें लॉकडाउन के बीच ही शूट की गई है और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना के एक फैमिली के बीच ही पूरी कहानी है। सो गाइस, इसका ट्रेलर तो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। लोग इस ट्रेलर को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लोग अब मूवी का वेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस फिल्म, जी हाँ, जो लॉकडाउन के बीच शूट हुई है और लॉकडाउन के बीच इसका ट्रेलर भी बाहर आ चुका है। वेल, अभी तक ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कि फिल्म कब रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका ट्रेलर देख के आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और कितना वेट कर रहे हो आप इस मूवी के लिए। एंड ऑल्सो गाइज, जो भी आपके ओपिनियंस है लेट अस नो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो व्हाट टू डू। यस, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहिए फिल्म भी। थैंक यू।